अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के बेसिकली कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं और वो हैं फर्स्ट डिटरमाइंड बाय बर्थ. डिटरमाइंड बाय बर्थ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ये बर्थ से डिटरमाइंड है. आप चूज नहीं करते हो कि आपको ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना है या क्षत्रिय फैमिली में पैदा होना है. आप जिस फैमिली में पैदा होते हो आप उसी का कास्ट इनहेरिट करते हो नेचुरली. इसमें आपका कोई से नहीं होता. तो ये डिटरमाइंड बाय बर्थ है. उसके बाद मैरिज. कास्ट के प्रॉपर रूल्स हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण फैमिली में शादी करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय फैमिली में शादी करेंगे. तो एग्जैक्टली इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ये कास्ट सिस्टम के अंडर सारे आते हैं. उसके बाद फूड शेयरिंग. फूड शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फूड शेयरिंग में आप क्या खाना खाते हो और आप किस किस के साथ वो शेयर करते हो वो तक डिसाइडेड होता है कास्ट सिस्टम के थ्रू. उसके बाद आता है हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस. ये हमने जब प्योरिटी एंड पोल्यूशन किया था हमने अच्छे से इसको समझा था कि एक प्रॉपर हायरार्की है. ब्राह्मण ऊपर हैं, फिर क्षत्रियज हैं, फिर वैश्यज हैं, फिर शूद्रज हैं. और ये जो हायरार्की है ये एक पर्टिकुलर रैंक देता है. ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उनका रैंक ज्यादा है. क्षत्रियज उनके नीचे, उनका रैंक उनसे कम है. हमने जब प्योरिटी एंड पोल्यूशन डिस्कस किया था तब हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा कास्ट है कास्ट के प्योरिटी एंड पोल्यूशन के लेवल पे हमारा स्टेटस डिपेंड करता है. जितना ज्यादा प्योर कास्ट है उतना ऊपर आपका स्टेटस होगा. वैसे ही हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस. हर कास्ट का एक रैंक और स्टेटस ऑलरेडी दिया गया है कि आप इस लेवल पे हो, आप इस लेवल पे हो. ये आप नहीं डिसाइड करते हो कि आपको किस पर जाना है. ऑलराइट, तो ये है हमारा हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस. उसके बाद है सब डिविजन. हमारे कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे कास्ट सिस्टम में बहुत सारे सब डिविजन्स है. सब डिविजन्स है, सब डिविजन्स है, सब 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 डिविजन्स है. बहुत सारे डिविजन्स हैं. तो इसीलिए हमारे कास्ट सिस्टम को बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है. बहुत इंट्रिकसीज है इसमें, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं. इसीलिए इसको ये एक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है हमारे कास्ट सिस्टम का. इतने सब डिविजन से हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारा हिंदू इंडियन कास्ट सिस्टम है. उसके बाद आता है लिंक टू ऑक्यूपेशन. हर कास्ट सिस्टम एक ऑक्यूपेशन से लिंक्ड होता है. फॉर इंस्टेंस ब्राह्मण पंडित पूजा पाठ करने वाले, क्षत्रियज वॉरियर्स जो हमारे वैश्यज हैं वो बिजनेसमैन, और शूद्रज वो क्लीनिंग का काम करेंगे. तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि आपके ऑक्यूपेशन से आपका कास्ट बहुत ही क्लोजली लिंक होता था. अगर आप शूद्रा हो नो मैटर आप कितने अच्छे हो संस्कृत के श्लोक में आप एक पंडित नहीं बन सकते. क्यों? क्योंकि आप शूद्रा हो. तो आप जिस कास्ट में हो पैदा हुए हो आपको उसी का ऑक्यूपेशन फॉलो करना पड़ेगा. शूद्रास का अगर ऑक्यूपेशन है साफ सफाई करना, घर बनाना, ये सब काम करना, तो आप वही काम करोगे. आप उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपका ऑक्यूपेशन से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है. तो हम देख सकते हैं हमारा ये जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी एवरीडे लाइफ की हर छोटी चीज को टच करता है. हम क्या खाना खाते हैं, हम क्या काम करते हैं, हमारा नाम कैसा होगा, सब चीज कास्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है. तो बेसिकली ये है हमारे कुछ फीचर्स डिफाइनिंग कास्ट सिस्टम.